So, hi friends, good evening. I believe that आप आप सब सब लोग अच्छे होंगे so, so लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा होगा तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत इंटरेस्टिंग था एंड आई बिलीव कि आप लोगों को से से फायदा हुआ होगा तो आज है दिन ट्वेंटी ऑफ जून टू ओके सो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग एल्स आल्सो लोगों ने मुझसे पूछा मेरे बच्चों ने कि भाई सर बताइए कि स्कैल्पिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं स्कैल्पिंग के ऊपर हमें वीडियो बना के दे सकते हैं क्या तो आ, मैं अक्सर पूछता रहता हूं आप लोगों से कि भाई बताइए कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूं जैसे कि मैं अपने यूनिवर्स के थ्रू हेल्प करता हूं अपने इस... फ्री टेलीग्राम चैनल से हेल्प करता हूँ मेरा कोई पेड चैनल है नहीं तो किसी को पेमेंट वेमेंट कर मत देना आप पेड चैनल में ज्वाइन करने के लिए बिकॉज मेरे जितने भी चैनल्स हैं हैं वो सब फ्री ठीक है।, है तो चलिए बात करते हैं आज स्कैल्पिंग के बारे में स्कैल्पिंग क्या होता है स्कैल्पिंग मतलब आप कोई भी ट्रेड लेते हो एक बड़ी या छोटी क्वांटिटी के साथ और ज्यादा से ज्यादा एक से पांच मिनट तक ट्रेड में रहते हो आई यू गेट सक्सेस और अदरवाइज यू गेट नॉकआउट फ्रॉम द ट्रेड यानी कि स्कैल्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप कम वक्त में ज्यादा ट्रेड्स करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं आज मैं ऐसी टेक्निक आपको सिखाने जा रहा जिससे कि आपका पे पकड़ मजबूत होगी। okay? तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ सके आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ सके कंटेंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटजी में आपको ना तो दो मिनट यूज करना है ना पांच मिनट यूज करना है ना छह मिनट ना दस मिनट अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम क्या किसी ट्रेड पे चार पांच मिनट से ज्यादा होल्ड कर पाते हो क्या ऐसे ट्रेड पे जो प्रॉफिट में चल रहा हो नुकसान वाला नहीं नुकसान वाला तो मेरे को पता है तुम लोग लेके बैठ जाता है ठीक है लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को क्या बैठ पाते हो क्या यानी कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो आप स्कैल पर ही हो आपको पता हो या ना पता हो गूगल करके देखना स्कैल्पर का मतलब क्या होता है स्कैल्पिंग मतलब आप ट्रेड में बैठते हैं और या तो पैनिक के कारण या फिर वे ऑफ वर्किंग के कारण जैसे मैं हूं खुद मैं खुद एक स्कैल्पर हूं मुझे कोई शर्म नहीं है इस बताने में कि मैं ट्रेड में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता है ना तो मेरे को नहीं होता है मैं एक स्कैल्पर हूं बाई नेचर एंड वॉट एवर आई ये सारी चीजें हैं आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना पड़ेगा तो अपने आप आपसे सवाल पूछो कि क्या आप स्कैल पर है कि नहीं है क्या पता आपको पता ही ना हो कि आप हैं क्या तो आपको पहचानना पड़ेगा ये चीज पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जब भी मार्केट खुलता है तो आपको कब पता चलता है नौ बज के आठ मिनट पे ठीक है तो पहला काम आप ये करेंगे आपको ये जानना है कि मार्केट कहां खुल रही है ठीक है मार्केट कहां खुल रही है एक मिनट की कैंडल को बन जाने दीजिए जो पहला एक मिनट है उस कैंडल को बन जाने दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान से सुनना पहले एक मिनट के कैंडल को बन जाने दीजिए जैसे ही वो एक मिनट का कैंडल बन जाता है अगर वो ग्रीन बार है या रेड बार है उस पर निर्भर करता है अगर वो ग्रीन बार है या फिर डोजी हो जैसा भी हो जो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लेकिन वो अगर ग्रीन बार है तो क्या है उसमें जो फिब रिट्रेसमेंट का कैंडल बनेगा फिब रिट्रेसमेंट जो बनाएंगे हम वो नीचे की तरफ बना देंगे हम और इस पूरे जोन को इस पूरे ज़ोन को मैं पूरे दिन के लिए इस तरह से ड्रॉ करने में कोई हिचक नहीं रखूंगा अगर आपको मुश्किल आती है आप इसके इमीडिएटली पंद्रह मिनट के चार्ट लगाओ और इसे पूरे दिन के लिए खींच दो ऐसे लेकिन जो कैंडल का साइज रहेगा वो वन मिनट का ही रहेगा वन मिनट का ही रहेगा याद रखना कौन सा रहेगा वन मिनट का रहेगा ये जो पहला एक्शन है दिन का ये डिसाइड करता है कि आगे क्या होने वाला है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ इसी चार्ट पे मिल जाएगा। रीजन टू सब्सक्राइब टू द चैनल किसी ने नहीं बताया होगा ये चीज रीजन टू सब्सक्राइब टू द चैनल जो आप एक्टिविटी करते हैं शुरुआती दौर में जो करते हैं वही निर्धारित करता है कि आपकी नियत क्या होगी आपके साथ क्या होगा यकीन मानो तो ठीक है नहीं मानोगे तो मानने लग जाओगे कुछ दिनों में ठीक है तो आपके पास कैसा जोन बन गया कि अगर वो पॉजिटिव टेरिटरी है तो मार्केट तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 50 परसेंट इंटैक्ट है जैसे ये 50 परसेंट टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी टारगेट्स भी यहां पे पड़े हुए हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब इसको कैसे प्ले करना है मार्केट में जब हम स्कैल्पिंग के लिए आते हैं तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स टारगेट्स सब कुछ हो गया ट्रेंड का एनालिसिस भी हो गया एक चीज याद रखेगा नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है यहां पे वो ये करना है इसमें लगाना है आपको देखिए इसमें लगाना है आपको बॉलिंग बैंडस क्या लगाना है आपको बॉलिंग बैंडस बॉलिंग बैंड क्यों चाहिए बैंड जब प्राइस को हमें पढ़ना होता है तो प्राइस की रेंज का इंटरप्रिटेशन करता है वो बॉलिंग बैंड क्या होते हैं जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं शायद आपको समझ में आए इसका जो मिड पॉइंट होता है वो इट्स नथिंग बट ट्वेंटी वन पीरियड मूविंग एवरेज कई जगह आपको ट्वेंटी लिखा हुआ बनेगा मैं ट्वेंटी वन बनाता हूँ इसको अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री राइजिंग होती है तो प्राइस सारा इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव टेरिटरी होती है और जब ये डिक्लाइनिंग होता है तो ये नेगेटिव टेरिटरी होती है प्राइस सारा इसके नीचे ट्रेड करता है फिर इसकी एक और खूबी होती है इसमें होता है एक इनर सर्कल जिसको बोलते हैं वन एस डी वन एस डी मतलब वन स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन देन सेकेंड होता है टू स्टैंडर्ड डिशन और थर्ड होता है थ्री स्टैंडर्ड डिशन आप बना सकते हो डेटा कभी भी थ्री बाहर नहीं जाता जो डेटा साइंस समझते हैं वो वो समझते होंगे, ठीक है? है, 99% 99.999% .99 जो डेटा इसके अंदर ही आना चाहिए One SD में सिर्फ डेटा आता है तो यहाँ पे जो यूज करना है हमें जो बॉलिंग बैंड यूज करने है वो ट्वेंटी वन पीरियड मूविंग एवरेजी वन स्टैंडर्ड डिवेशन टू अब जैसे स्टैंडर्ड डिजन थ्री कर दूं तो ये बड़ा हो जाएगा वो मेरे किसी मीनिंग का नहीं है मेरे लिए क्या मीनिंग है टू जो इज्जत से चलता है अगर मैं वन कर दूंगा अगर मैं इसको वन कर दूं तो भी मेरे किसी मीनिंग का नहीं है समझ में मेरे लिए तब भी किसी मीनिंग का नहीं है मेरे लिए क्या मीनिंग है मेरे लिए मीनिंग है हाल फिलहाल इस स्ट्रेटेजी में टू कि अगर मुझे ये पता हो कि मेरी रेंज कितनी है मेरा मूविंग एवरेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है मेरा मुझे पता है कि वो किधर ट्रेड कर रहा है तो मैं इसको प्लान कर सकता हूं ना एक्टिविटी को इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं समझिए अगर मेरा तो ट्वेंटी वन पीरियड मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री जो है वो राइजिंग ट्रेजेक्ट्री है राइजिंग जैसे इधर पे राइजिंग है तो ये क्या हो गया मार्केट ट्रेंडिंग पॉजिटिव हो गया अब अगर ये ऊपर जाएगा भी मान लीजिए तो ये ऊपर में रेंज है ये ऑलरेडी रेंज होती है अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं तुमको कैसे यहां पे देखो रिप्ले करके दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा अमीरी है अपने पास मजाक कर रहे हैं कुछ नहीं है मेरी ये देखिए रेंज का आइडिया हमको रहता है कि भाई इतना ही जा सकता है अब ये ट्रेजेक्ट्री होगी क्या पॉजिटिव 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 ठीक है ना पॉजिटिव अब ये जैसे ही नीचे आता है नेगेटिव कहां तक जा सकता है यहां तक जा सकता है तो इससे चलते क्या होता है हमको एक रेंज का रफ आइडिया रहता है कि भाई मार्केट किधर ट्रेड कर रहा है कितनी रेंज में ट्रेड कर रहा है इसको अब प्ले आउट कैसे करना है वो समझ लीजिए इसको प्ले आउट करने का सिंपल सा तरीका है पहली चीज हमने क्या समझी मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में है मार्केट 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है जैसे इसका लो क्रॉस करेगा मुझे इमेडिएटली यहां पे पोजीशन बनानी है स्टॉप लॉस यहां रखना है और ये रहा उसका टारगेट यहां तक का हो गया अब रिस्क कितना था रिस्क था इतना रिस्क कितना मतलब सिक्स सेवेंटी फाइव ने सेवेंटी पॉइंट्स रिवॉर्ड कितना मिला नियरली ऑलमोस्ट सेवेंटी पॉइंट्स तो वन इज टू वन का रिवॉर्ड मेरे को मिल गया मेरा काम बन गया ना स्कैल्पिंग में टाइम कितना लगा पांच से दस मिनट बस काम हो गया अब अगली ट्रेजेक्टरी क्या है भाई मार्केट तो नेगेटिव टेरिटरी में है लेकिन 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आते ही साथ आप इसको लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो रिस्क कितना है 561 से 581 तो टारगेट कितना होना चाहिए 20 30 पॉइंट्स क्या गया नहीं यहां से अगर देखा जाए 590 से इसने क्या हाई लगाया फिफ्टी सिक्सटी पॉइंट्स यहां पे दे दिया उसने फिर इसके नीचे क्लोज किया किसके नीचे फाइव रिस्क कितना है 670, 70 का, का प्रॉफिट हो गया फिर से दोबारा आपको पोजिशन बनाई ऊपर किसके ऊपर ट्वेंटी वन पीरियड मूविंग एवरेज के कहां तक का टारगेट होना चाहिए सिर्फ सिक्स ट्वेंटी तक का कहां से फाइव सिक्सटी तक क्या गया कि नहीं गया? गया स्कैल्पिंग हो गई आप पिछली कैंडल पे ट्रेलिंग करके ट्रेलिंग लेकर जा सकते हो ये 50 परसेंट पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो उसके ऊपर अगर जाता है ऊपर इस हाई तक का टारगेट ले सकते हैं नीचे हमें देखना पड़ेगा कि नीचे जाने के लिए इसको इसके नीचे आके यहाँ पे स्लो को तोड़ना पड़ेगा ये नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज देखो अगर इसकी रेंज का आइडिया रहेगा तुमको तो तुम कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे और फिर जब एक बार मार्केट इसके ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है आपको ये जानना पड़ेगा इधर पे अगर दोबारा ट्रेड लेते दोबारा हमारा पर रिस्क कितना है ज्यादा से ज्यादा 40, 40 आराम से अचीव हो गया तो आपको स्कैल्पिंग में क्या चाहिए स्कैल्पिंग में यही तो चाहिए रेंज का आइडिया होना चाहिए ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको समझ में आया कि नहीं आया जैसे अब ये सिस्टम है यहां पे अगर तुमको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तुम क्या करोगे सॉरी लॉन्ग पोजीशन अगर यहां बनानी है रिस्क कितना था रिस्क रिवार्ट कितना रिवॉर्ड कितना रिवॉर्ड है इतना रिवॉर्ड वन इजू तो फोर का है आपको अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है शॉर्ट पोजीशन अगर यहां से बनाओगे तो मेरे पास रिस्क कितना है चलो हम इसी को बुद्ध जान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है यार तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मेरे को ये यह बताओ यहाँ पे क्या होगा तो मेरा रिस्क कितना है ये रहा मेरा रिस्क इसका हाई रिवॉर्ड कितना मिला जीरो पॉइंट फाइव मिला है इंपॉर्टेंट यह है रिवॉर्ड मिला है जैसे अब यह कैंडल है ये कैंडल ने क्या किया नीचे क्लोज किया नीचे क्लोज किया तो क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट मारेंगे हमारे पास रिस्क कितना है रिवॉर्ड कितना मिला वन इज टू वन पॉइंट थ्री वन इजू थ्री का रिवॉर्ड है यहां पे तो स्कैल्पिंग में हमेशा नेचर को पहचानो और नेचर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कितना ऊपर कितना नीचे इसकी रेंज क्या है तो एक कैरेक्टरिस्टिक से मुझे रेंज का आइडिया लग जाता है कहां पे पॉजिटिव किधर नेगेटिव कितना अगर पॉजिटिव है तो कितना जा सकता है इससे मुझे क्या लगता है देखो अगर संकीर्ण चल रहा है ऐसा रफ छोटा सा चल रहा है जैसे ये रेंज है ये रेंज बाउंड मूवमेंट्स अगर की है तो मुझे बताना देखो किस तरीके से मार्केट को इंटरप्रेट करते मेरे भाई अगर मान लो तुमको जैसे मॉर्निंग का ट्रेड खुला है अब मैं मॉर्निंग का रेंज देखता हूं देखो ये रही रेंज सुबह का बाईस तारीख का पहला कैंडल मैंने क्या बोला नेगेटिव कैंडल है नेगेटिव कैंडल है ना मेरे लिए नेगेटिव है खुला उसके ऊपर वेरी गुड लेकिन मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है वो फिर उसने क्या क्रॉस किया ऊपर की तरफ क्रॉस किया जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस किया मैं इमीडिएटली पहला क्या होगा मेरा ये लेकिन इमीडिएटली मैंने क्या किया इसका स्ट्रक्चर को उल्टा कर दूंगा मैं स्ट्रक्चर को उल्टा कैसे करूंगा यहां से मेरे लिए अब लेवल ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पूरे दिन के लिए पूरे दिन के लिए छोटे दिन के लिए नहीं पूरे दिन के लिए मेरे पास लेवल बन के आ गया मेरे लिए पूरे दिन के लिए मार्केट का ट्रेंड बन के आ गया भाई ये है पूरे दिन का एस्पेक्ट समझ में आया अगर समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड नहीं आया होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि पहली पहले पांच मिनट पहला मिनट का का कैंडल फेवरेट लेवल निकाला मैंने कि पॉजिटिव ट्रेंड है अब मैं पॉजिटिव ट्रेंड में अगर ट्रेड लूंगा तो स्टॉप लॉस यहां रहेगा स्टॉप लॉस के साथ में रिवॉर्ड क्या बोले रिवॉर्ड ऊपर की तरफ मिला अब अगर तुम शॉर्ट भी करना भी चाहते हो तो तुमको रेंज का आइडिया है ना कि रेंज में शॉर्ट नहीं मार सकते यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी है जितनी बार भी पॉजिटिविटी दिखाई इसने अगर मैं कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लेता अगर मैं यहां भी लेता तो मेरा स्टॉप लॉस यहां टारगेट देखो भाई समझ में आ रहा है अगर ये इसके 50 तोड़ रहा है मैं अगर रिवर्ट सिस्टम के हिसाब से यहां पे स्टॉप लॉस लेके डालूंगा तो यहां पे कम से कम नहीं तो फाइव का ट्रेड मिला मेरे को ये होती है ट्रेडिंग इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं आज की ये टेक्निक आपकी लाइफ बदल सकती है इसको समझना शुरू करो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं अपने मास्टर क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ इस संडे को तो अगर आपको करना है तो कर लो वरना ये जो इनपुट दे रहा हूँ पे वर्क करो तुम्हारे पास पैसे नहीं है ज़बरदस्ती के पैसे मत खर्च करो आपको पता है मैं रेंको ट्रेडर हूँ लेकिन साथ साथ हम इस पे भी पकड़ बढ़िया रखते हैं किस पे पकड़ बढ़िया रखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करना सीखना है और शुरू करना है आपको ट्रेडिंग कि इस तरीके से मैं कभी भी गलत रास्ते पे ट्रेड नहीं करूंगा मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन सीखना है और डेटा इंटरप्रिटेशन सीखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता अगर आप कन्विंस्ड हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और क्या सीखना चाहते हैं वन मिनट स्कैल्पिंग में ताकि आप जब भी रिस्क लें छोटा और पैसा मिले मोटा ये तो दो दिन थे दोस्त ये सेम आप निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं अगर चाहूं तो निफ्टी में कैसे अप्लाई करूंगा मान लो ये तेईस तारीख का प्राइस एक्शन है ठीक है नेगेटिव 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 कैंडल है है मेरे मेरे लिए लिए मार्केट मार्केट हो गया ना बाबा मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है। मैं क्या करेगा यहां पे एक लेवल ड्रॉ करूंगा और फिर लेवल ड्रॉ करने के बाद इसका एक्सटेंशन पूरे दिन के लिए कर दूंगा छोटे मोटे दिन के लिए नहीं पूरे दिन के लिए भाई पूरे दिन के लिए ये रहा मेरा लेवल पूरा दिन मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है लेवल्स पता है मेरे को इंटरप्रिटेशन पता है मुझे मुझे किसी की जरूरत नहीं ना मुझे पता रहेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है तो मेरे को अंदाजा रहेगा मुझे स्कैल्पिंग करनी कैसे है आपके गेम इंप्रूव हो सकता है आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है इस मेथडोलॉजी से प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड यूज इट मेरा क्या फायदा मेरे तो क्या है चलो तुम लोग सोचोगे कि मैं YouTube वीडियो बना के ए, ये लाखों रुपए मिल जाते होंगे मेरे को चमनी नहीं मिलती मिलती लेकिन इससे सुकून मिलता है कि आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी आई नो वेन आई एम सक्सी वाई नॉट यू आप भी करो ना और कुछ सीखना है मेरे पास आओ जुड़ जाओ सीखो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और कौन सा टॉपिक चाहिए मेरा पढ़ाना कैसा लगता है कृपया करके नीचे पूछ लीजिएगा ठीक है शुक्रिया आपका वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच अभी शाम के बज रहे हैं सात चालीस शुभ संध्या थैंक यू सो मच टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय